हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। टुडे आई एम गोइंग टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल identities, first part of this question is 99 का क्यू। इस 99 को हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यू, और ये a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। और आइडेंटिटी जो होती है a प्लस बी का होल क्यूब, वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होती है। और इसी फॉर्म में हम इसको पुट करेंगे, लिखेंगे ए की जगह पे यहाँ 100 है और बी की जगह पे माइनस 1 है। तो 100 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू माइनस 1 इनसाइड ब्रैकेट 100 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 0 माइनस 1 माइनस 300 इनसाइड ब्रैकेट 100 माइनस 1 दिस मच माइनस 1 माइनस 300 का 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा कितना हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस 300 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू, इसमें 300 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 003 एंड 00 माइनस 30001। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 हो गया और ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 970299 आंसर। गाइज, ये जो 99 का क्यूब है इसको हम 100 माइनस 1 का क्यूब जो लिख रहे हैं इसके लिए जो आइडेंटिटी है इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इनसाइड ब्रैकेट x माइनस y, और ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल एज इट इज इस फॉर्मेट पे हमें नज़र आ रही है। तो इसको इस पे पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी एज इट इज़ वही आएगी जो हमने x प्लस वाई के होल क्यूब पे किया था। आइए इसको देखते हैं, डाटा हमारी मैच करेगी। चूँकि ये जो है x माइनस वाई, वहाँ पे हम लिख रहे थे x प्लस माइनस वाई, इस तरह से करके लिख रहे थे और बड़े ब्रैकेट के अंदर रख रहे थे, है ना। साइन तो माइनस यूज कर ही रहे थे, बट इसके पहले वाली जो आइडेंटिटी हमने यूज करी x प्लस वाई का होल क्यूब करके किया था, और जहाँ जहाँ वैल्यूज जो थी माइनस थी वहाँ पे माइनस वैल्यू को हमने पुट किया था। तो वैल्यू जो वहाँ पे आई थी एज इट इज वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। आइए इसको देखते हैं, आपको जो उचित लगेगा आप उस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह पे 100 है और y की जगह पे 1 है, तो वैल्यू जो हो जाएगी इसकी x क्यूब, इट मीन्स कि 100 का क्यूब माइनस वाई क्यूब 1 का क्यूब, और वहाँ पे ये प्लस लिखते थे और ब्रैकेट के इनसाइड माइनस कर देते थे क्योंकि ये वैल्यू माइनस थी और इसको प्लस समझ लेते थे। तो वही बात है, बस अपना अपना समझने का है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर फ्री। लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे 100 कर देंगे यहाँ पर, और वाई की जगह पे हमारा 1 है, इनसाइड ब्रैकेट 100 और माइनस 1। ओके, अब ये वैल्यू जो आ जाएगी 100 का क्यूब, इट मीन्स कि 1 के बाद 6 टाइम्स 0 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1।
और ये आ जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे 6 times 0 -1 माइनस यहाँ पर 3 के बाद 4 times 0 हो जाएगा और प्लस ये 300 हो जाएगा। तो गाइज देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है एज इट इज़ यही वाली वैल्यू वहाँ पर भी आई थी जब हमने x प्लस वाई का होल क्यूब करके इसको किया था, है ना। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 970 and 299 आंसर। तो गाइज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस वाले आइडेंटिटीज़ का यूज करके मेरे को कराने का बस यही मकसद है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर x प्लस वाई वाली आइडेंटिटीज आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है माइनस में है तो वहाँ वहाँ ब्रैकेट के इनसाइड माइनस वैल्यू यूज करेंगे, और यहाँ पर अगर डायरेक्ट x माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो अब जो है ये माइनस की जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस सो हो रहा है तो हम जहाँ कहीं भी y की वैल्यू लिखेंगे एज इट इज़ ये जो है यहाँ पर वो लिखेंगे, अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस तो पहले ही यूज हो रहा है इस आइडेंटिटीज में, है ना। तो सेम ही इसका आंसर है, आप देख रहे हैं इसके पहले वाले में भी ये वैल्यू ही आई थी और इसके बाद इसका जो सोल्यूशन है आंसर है वो इतना आया जो कि अर्ली मैंने x प्लस वाई के होल क्यूब से कराया था उतना आया था। तो आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चंस को, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आपको उचित लगेगा उस आइडेंटिटीज़ को आप यूज कीजिए। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट जो है 102 का क्यूब, इसको लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में इसे हम पुट करेंगे, लिखेंगे 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इनसाइड ब्रैकेट 100 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 6 times 0 विल बी हियर प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100 प्लस 2 दिस विल बी इक्वल टू प्लस 8 प्लस 4 times 0 ऑन 6 प्लस 1200 एंड एड ऑल दिस इट विल बी 8 0 2 1 6 0 1 दिस विल बी आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 998 का क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 - 2 का होल क्यूब एंड द आइडेंटिटीज इज ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसको मैं इस तरह से लिखूंगी फिर 1000 का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 इंटू माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट 1000 प्लस माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1000 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 times 0 हो जाएगा 3 3 6 3 9 -8 -6000 इनसाइड द ब्रैकेट 1000 -2 एंड दिस विल बी 9 times 0 हियर -8 -6 times 0 प्लस 12000। इसमें माइनस माइनस एक साथ ऐड हो जाएगी और इसके साथ ये प्लस 12000 ऐड हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 8 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 4 0 1 1 9 2 आंसर। अगेन इसके लिए जो आइडेंटिटी हमने अभी यूज करी प्लस वाली यूज करी थी, है ना, तो यहाँ पर जो है 1000 - 2 का क्यूब यहाँ के लिए आइडेंटिटीज ये वाली भी यूज कर सकते हैं x माइनस
y का होल क्यूब, और ये क्या होता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस y। और जहाँ जहाँ ये वैल्यू है y की, यहाँ x की वैल्यू 1000 है और y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ y की वैल्यू को माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ रहा है, ये माइनस है, तो y की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे 2 ही है, जो कि हम माइनस 2 लिख रहे थे x प्लस वाई का होल क्यूब जब कर रहे थे, तो वहाँ पर जो आंसर आया था। और इस वाले आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा, तो इसको चलिए देख लेते हैं। आपको जो उचित लगेगा उस वाले आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। लिखते हैं ए क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 1000 इंटू वाई की जगह पे 2, और ये 1000 माइनस 2 एक्स माइनस वाई की जगह पे। उसके बाद ये कितनी हो जाएगी, 1000 का क्यूब है, इट मीन्स कि 9 टाइम्स 0 यहाँ पर लिखेंगे हम, और ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये 6000 हो जाएगा, इनसाइड ब्रैकेट 1000 माइनस 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये 1 के ऊपर 9 टाइम्स 0 लिख देंगे इस तरह से, और ये माइनस 8 माइनस ये 6 के बाद जो है 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 6 टाइम्स 0, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12, और फिर 3 टाइम्स 0 12000 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो है वैल्यू माइनस वाली माइनस माइनस एक साथ हो जाएगी, प्लस प्लस वाली वैल्यू एक साथ हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 2, 1, यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद कितनी जीरो बच रही है, 4 जीरो बच रही है, और ये 1 हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगी 6 0 0 0 0 0, और ये 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9940119992, जो कि पहले भी हमारी वैल्यू आई थी। इस तरह से ये आंसर हो गया। ये वाला टर्म गाइस देखेंगे तो सेम ही आया था उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आइडेंटिटीज़ को हमने सीख लिया। गाइज यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है, और पहले वाले में मैंने a माइनस बी यूज़ किया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप x माइनस वाई की जगह पे a माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हैं। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह से लिख देंगे, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो गाइज इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट को हम लोगों ने यहाँ कर लिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो स्टे ऑन चैनल एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।